हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। मेरा नाम मनीषा है और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी दत्त पर। जिन्होंने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो आज हम फिर हाजिर है एक नई बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ और एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी के साथ। तो गाइज, आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसके बारे में आज मिस्टर गौरव जी बताएंगे। हाय गौरव जी। हेलो। ये आज ब्रीफ करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव। आज हम जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का नाम है बॉलीवुड ग्रीन सिटी, जो कि सेक्टर 113 मोहाली के अंदर है। ये गमाडा अप्रूव प्रोजेक्ट है हमारा। टोटल टाउनशिप है हमारी 32 एकड़स की, जो एग्जिस्ट करती है 200 फिट रोड के ऊपर। और इसके अंदर हमारे पास रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों ही ऑप्शन है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारा कमर्शियल शोरूम्स है बैक साइड पे, और ये हाईवे के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। इसके बिल्कुल पीछे हमारा रेजिडेंशियल एरिया स्टार्ट होता है, जहां ऑलरेडी 300 फैमिलीज रहती हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स देंगे आपको आगे। ये जो आप मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट की मेन एंट्रेंस है, और इसी के साथ में हमारे शोरूम्स हैं। और जहां हम खड़े हैं, ये हमारे कमर्शियल शोरूम्स की पार्किंग एरिया है। प्रॉपर के मेन गेट के ऊपर हमने सीसीटीवी मॉनिटरिंग इंस्टॉल की है और गार्ड्स हमेशा रहेंगे 24/7 यहाँ पे। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। जैसा आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये हमने अपने फर्स्ट फेज में डिलीवर किया था। फैमिलीज ऑलरेडी रहती है यहाँ पे, 300+ फैमिलीज हैं ऑलरेडी। और जो टावर्स के बीच में आप गैप देख रहे हैं वो 60 फिट का डिस्टेंस है। पार्किंग हमारी स्टिल्ट पे रहेगी, कवर्ड पार्किंग रहेगी फ्लैट्स के अंदर। ये फर्स्ट फेज हमने डिलीवर किया था। अब हम सेकंड फेज की तरफ चलेंगे, जहां आप देखेंगे कि नई अपडेशन हमने क्या की है। अब आगे हम अपने मेजर पार्ट के ऊपर, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे 5 एकड़ का लश ग्रीन पार्क हम रेडी करके देंगे आपको। इसी के अंदर 30,000 स्क्वायर फिट का क्लब रेडी कर रहे हैं हम, जिसकी कंस्ट्रक्शन आप सामने देख पा रहे हैं। इसके अंदर हम आपको स्विमिंग पूल रेडी करके दे रहे हैं, जिसकी डिगिंग ऑन गोइंग है। और इसी के अंदर इंडोर गेम्स रहेंगे आपके क्लब एरिया के अंदर ही। 5 एकड़ का पार्क नॉर्मली आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, और आज ये मेंटेन्ड है, बट इससे ज़्यादा अच्छा हम इसको डेवलप करके देंगे, जो कि आप इन फ्यूचर विद इन कमिंग 1 मंथ आप देख पाएंगे ये चीज़ें। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड फेज के बारे में हमारे, जिसका एलिवेशन आप देख रहे हैं, जो कि कॉन्सेप्ट है स्टिल्ट प्लस 4, जिसके नीचे पार्किंग रहेगी ग्राउंड फ्लोर पे, और 227 स्क्वायर यार्ड के अंदर हमारा फ्लैट रहेगा 3 BHK विद स्टोर रूम। अब हम आ चुके हैं अपने पार्किंग एरिया के अंदर, जिसमें एक गाड़ी की कवर्ड पार्किंग हम आपको देंगे और एक गाड़ी की आपकी ओपन पार्किंग रहेगी यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट है स्टिल्ट प्लस 4 विद लिफ्ट, जिसके अंदर फ्लैट का साइज है 2043 स्क्वायर फीट, और ये लिफ्ट के साथ कॉन्सेप्ट है। मेरे पीछे हमारी लिफ्ट लगी हुई है, पार्किंग एरिया से लिफ्ट ऊपर के फ्लैट्स तक जाएगी, और स्टेयरकेस रहेगा ये कॉमन हमारा। अब हम आ गए हैं एक्चुअल फ्लोर के ऊपर, जहां पे एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स रहेंगे और एक लिफ्ट केटर करेगी 8 फ्लैट्स को। अब हम चलते हैं एक्चुअल फ्लैट के अंदर, जहां पे आपको सारी डिटेल्स हम फ्लैट के बारे में बताएंगे। स्टार्टिंग में हम आपको बताएंगे कि ये कीलेस डोर एंट्री रहेगी हमारे फ्लैट के एंट्रेंस पे। एक्चुअल डोर आपका एग्जैक्टली सेम रहेगा, जिसकी हाइट रहेगी 8 फिट। इसके ऊपर डोर सेट ब्रांड का कीलेस डोर एंट्री हम लगा के दे रहे हैं आपको। अब हम आ गए एक्चुअल सैंपल फ्लैट के अंदर, जहां पे हमारा लिविंग एरिया आप देख पा रहे हैं। ये स्पेशियस लिविंग एरिया रहेगा हमारा, जिसका साइज रहेगा 13/11। इसी के साथ में हमारी बालकनी रहेगी 22/4, जो कि मेन बालकनी रहेगी। और फॉल सीलिंग इसके अंदर हम आपको एग्जैक्टली सेम विद लाइट्स ऐसी ही बना के देंगे फ्लैट्स में। लिविंग एरिया के बाद हम आ जाते हैं अपना डाइनिंग रूम की तरफ, जिसका साइज रहेगा 15/11, और इसी के साथ हमारा कनेक्टेड रहेगा पूजा रूम,
जैसा आप देख पा रहे हैं। फॉल सीलिंग एग्जैक्टली सेम रहेगी जैसी आप देख रहे हैं, और लाइट्स इसके अंदर इंस्टॉल करके देंगे हम आपको एग्जैक्टली सेम। सामने आप किचन देख पा रहे हैं जिसका साइज रहेगा 9x10, मॉड्यूलर किचन रेडी करके दे रहे हैं हम आपको। इसके अंदर चिमनी आरओ हम इंस्टॉल करके देंगे। यहां हम आपको कंप्लीट मॉड्यूलर किचन विद चिमनी एंड आरओ इंस्टॉल करके दे रहे हैं। किचन के अंदर आपका ड्राई एरिया एंड वेट एरिया बिल्कुल सेपरेट रहेगा, जैसा आप देख पा रहे हैं ये वेट एरिया रहेगा। वेट एरिया के अंदर हम आपको ग्रोहे की फिटिंग्स इंस्टॉल करके दे रहे हैं सारी, और साउंड प्रूफ सिंक लगा के दे रहे हैं। इसी के साथ में किचन के साथ हमारी यूटिलिटी बालकनी कनेक्टेड रहेगी बैक साइड पे, जैसा आप देख पा रहे हैं। और किचन हम आपको सॉफ्ट क्लोजर के साथ दे रहे हैं सारी, और लैमिनेटेड वुड हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। जैसा आप देख पा रहे हैं फॉल सीलिंग एग्जैक्टली सेम हम किचन के अंदर भी विद लाइट्स आपको इंस्टॉल करके देंगे। उसके बाद हम जा रहे हैं आपका मास्टर बेडरूम के अंदर। ये आप देख रहे हैं मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का साइज रहेगा 11.5x13.5, मतलब 11.5x13.5 इसका साइज रहेगा विद फॉल सीलिंग एंड लाइट्स। और मास्टर बेडरूम के साथ ही हमारी मेजर बालकनी कनेक्टेड रहेगी जिसका साइज रहेगा 22x4। इसके अंदर हम आपको ड्रेसिंग एरिया सेपरेट कनेक्ट करके दे रहे हैं। ड्रेसिंग एरिया के अंदर आपकी वार्डरोब्स आ जाएंगी विद लैमिनेटेड हार्डवुड, एंड इसी के साथ आपका वॉशरूम कनेक्टेड रहेगा 8x5, जिसके अंदर सारी फिटिंग्स आपकी रहेंगी ग्रोहे की, जो कि सैनिटरी फिटिंग्स है, और चाइनावेयर रहेगा आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड। इसके अंदर भी फॉल सीलिंग आपको करके देंगे। एग्जैक्टली सेम चीजें आप देख पा रहे हैं वही आपको हम फ्लैट में बना के देंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं इंटरनल डोर्स का साइज भी 8 फिट हम लगा करके दे रहे हैं आपको। नॉर्मली जो फ्लैट्स में रहता है वो छोटे साइज के डोर्स रहते हैं इंटरनल, बट यहाँ पे हम जो डोर्स और डोर फ्रेम्स लगा रहे हैं वो टीक प्लाईवुड यूज कर रहे हैं इसके अंदर। मास्टर बेडरूम हम देख चुके हैं, उसके बाद हम जाएंगे सेकंड बेडरूम की तरफ। उससे पहले हम आपको बताएंगे टाइल्स के बारे में। जो टाइल हम यूज कर रहे हैं फ्लोर टाइल्स, इसका साइज रहेगा 32x64, और ये मार्बल फिनिश टाइल्स रहेगी। नॉर्मली ये टाइल्स कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। सेकेंड बेडरूम में हम चलते हैं, आई प्लीज। सेकेंड बेडरूम के अंदर वार्डरोब्स एग्जैक्टली सेम हम आपको बना के दे रहे हैं, लैमिनेटेड वुड जो यूज कर रहे हैं इसके अंदर, और इसका साइज रहेगा 12x15, और इसी के साथ हमारा वॉशरूम कनेक्टेड रहेगा सामने, जिसके अंदर ग्रोहे की फिटिंग्स रहेंगी और अमेरिकन स्टैंडर्ड हम चाइनावेयर यूज कर रहे हैं। आई प्लीज। ये वॉशरूम का साइज रहेगा 6.5x6, और इसके अंदर वुडन फिनिश आपकी टाइल्स रहेंगी, और फॉल सीलिंग हम एग्जैक्टली सेम आपको करके दे रहे हैं यहां पे भी। बेडरूम के अंदर जो फॉल सीलिंग आप देख रहे हैं वो भी बिल्कुल सेम रहेगी विद लाइट्स। ये हमारा सेकंड बेडरूम आप देख चुके हैं। इसके बाद हम चलेंगे थर्ड बेडरूम की तरफ। अब हम चल रहे हैं तीसरे बेडरूम की तरफ, जिसका साइज रहेगा 12x14, और इसके अंदर भी वार्डरोब्स एग्जैक्टली सेम रहेंगी। फॉल सीलिंग बिल्कुल सेम आपको करके देंगे विद लाइट्स, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि सारे फ्लैट में फॉल सीलिंग विद लाइट्स रहेगी। और इसके सामने आपका वॉशरूम आ जाएगा जिसका साइज रहेगा 7x5। इसके अंदर भी फॉल सीलिंग बिल्कुल सेम, और टाइल्स का कॉम्बिनेशन भी एग्जैक्टली सेम रहेगा। इसी के साथ में हम जो बालकनी आप देख पा रहे हैं बैक साइड पे, इसका साइज रहेगा 22x4। बालकनी के जितने डोर्स रहेंगे हम साउंड प्रूफ ग्लासेस उनमें यूज कर रहे हैं, और यूपीवीसी फ्रेम्स यूज कर रहे हैं जिसकी लाइफ कंपैरेटिव टू वुड ज्यादा रहती है, और एंटीस्केट टाइल्स रहेंगी आपकी बालकनी के अंदर। इस बालकनी का ये बैक साइड बालकनी है फ्लैट की, जिसका डिस्टेंस दूसरे फ्लैट से 30 फिट का रहेगा। उनके बीच में एक सर्विस रोड रहेगा जो पार्किंग के लिए यूज होगा इन फ्यूचर। आई होप जो प्रॉपर्टी डिटेल्स हमने आपको बताई है आपको पसंद आई होगी, और इसके बारे में आप कभी भी जो जानना चाहेंगे कुछ डिटेल्स फ्लैट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, कोई भी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।